हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिला कलेक्टर ने लिया अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा। जिला कलेक्टर अंशदीप ने शुक्रवार को सोजत उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उनकी अगुवानी उपखंड अधिकारी दौलत राम चौधरी ने की। उसके बाद जिला कलेक्टर ने राजकीय चिकित्सालय पहुंचे, जहां चिकित्सक के प्रभारी डॉक्टर अनुसूर्य हर्ष के साथ चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। वहीं कलेक्टर ने पीएमओ से भर्ती कोविड के मरीजों के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर चिकित्सालय निरीक्षण के दौरान अस्पताल में उपलब्ध दवाइयों, साफ सफाई आदि व्यवस्थाओं को लेकर भी पीएमओ से चर्चा की। साथ ही जिला कलेक्टर ने विधायक कोश, भामाशाह एवं नगर पालिका द्वारा दिए गए कंसंट्रेट के बारे में भी जानकारी लेने के साथ ही ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थल का निरीक्षण कर उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी ली। उल्लेखनीय है कि सोजत नगर पालिका द्वारा ऑक्सीजन प्लांट के लिए वांछित राशि जमा करवा दी गई है। अब रविवार को मैकेनिक मौका स्थल का निरीक्षण कर कार्य आरंभ करेंगे। जिला कलेक्टर ने पीएमओ अनुसूर्य हर्ष से कोविड-19 के उपचार को लेकर एवं बच्चों के लिए संभावित तीसरी लहर से पीड़ितों के बचाव के लिए व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा की। इसके बाद जिला कलेक्टर ग्रामीण क्षेत्र के भ्रमण के लिए निकल गए। सोजत अस्पताल में निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर के साथ उपखंड अधिकारी दौलत राम चौधरी, अधिशासी अधिकारी विक्रम विशोई, डॉक्टर देवेंद्र चौधरी, मेल नर्स अधीक्षक राधेश्याम गर्ग, मोहनलाल राठौड़ आदि उपस्थित थे। जागरूक टीवी की सोजत सिटी से नथाराम बोराना की रिपोर्ट।